जो मौजूदा सांसद है, कैसा काम किया है? वो सांसद अभी तक हम चेहरा भी नहीं देखे हैं। इस बार बदलाव है, इस बार बदलाव होना चाहिए बस। कितने काम हुए हैं आपको लगता है कुछ? हम लोग एक कोटा काम ही नहीं देखते हैं, एकदम पूरे जागरूक है इस बार। सरकार से नफरत हो गई आप? सबको नफरत, हमको क्या, सबको हो गया कि हमको? सब्जी 80-90 रुपए बिकता है, आ किसान मर रहा है यहाँ। घर की चाबी मिली? कुछ नहीं मिला। काम मिले है, हमारा तो घर नहीं बना। घर नहीं बना? नहीं, मोदी सरकार घर नहीं दी। हाँ। क्या उम्र है आपकी? 80 वर्ष है। 80? हाँ। अच्छा, मोदी सरकार के काम से आप खुश हैं? खुश नहीं, उतारो खा गए देश के। ट्रेन सही बेच ले के। ट्रेन सही तो देश को बेच लिया। लिया ट्रेन बेच लिया, हेलीकॉप्टर जहाज वाला अथी बेच लिया, एयरपोर्ट। तो अब रहने की दिया बिहार में, बिहार के भी बेचेगा। लोग पेट भर अन्न भी नहीं खा रहा देहात में। इस वक्त मैं दरभंगा के धोई घाट में मौजूद हूं और यहां की जनता मेरे साथ मौजूद है। चौपाल के जरिए इन तमाम लोगों से मैं सवाल जवाब करूंगी कि क्या इस बार वाकई जो लहर देखी जा रही है, यानी सत्ता परिवर्तन की लहर, वो वाकई सच होने वाली है? और यह सच्चाई के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या मोदी सरकार से लोग नाराज़ हैं और मौजूदा बीजेपी के सांसद से क्या लोग नाराज़ हैं? अब तक मुझे जो रिपोर्ट मिली है, 99% अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की जा रही है कि अभी तक मैंने सांसद को नहीं देखा है। किसी लड़के ने कहा, माँ कसम मैंने सांसद को आज तक नहीं देखा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार 3 दिन से कर रही हूं, उसमें यही सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। जो भी समस्या, उन तमाम समस्याओं से रूबरू होना जरूरी है ताकि लोगों को यह पता चल सके कि आपके पास क्या परेशानी है और सत्ता परिवर्तन के पीछे की वजह क्या है, यह जानना हम सबको जरूरी है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है निराला जी। निराला जी, चलिए निराला जी, कुछ ऐसी चीजें याद है जो आप सुना सकते हैं? अरे नई नाम के चीज नहीं, अन्नाई बढ़ता जाए रे, मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे, मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे, मर मर कर जो मेहनत करता पेट कभी ना भरता, मेहनत करना पेट कभी ना भरता, पाल रहा है सारा जग को खुद भूखे सो जाई रे, न्याय नाम के चीज नहीं अन्याई बढ़ता जाए रे, न्याय नाम के चीज नहीं अन्याई बढ़ता जाए रे। पुलिस सरकारी दफ्तर में देखो खुल्लम खुल्ला है घुसखोरी, सरकारी दफ्तर में देखो खुल्लम खुल्ला है घुसखोरी, चांदी के जूते से देखो, चांदी के जूते से देखो जज भी पीटा जाए रे, न्याय नाम के चीज नहीं अन्याई बढ़ता जाए रे, मेहनत करता धोती वाला टोपी वाला खाए रे। पुलिस निकले गश्ती में पी के दारू मस्ती में, पुलिस निकले गश्ती में पी के दारू मस्ती में, चोर बैठे है थाने में साधु पकड़ा जाए रे, चोर बैठे है थाने में साधु पकड़ा जाए रे, न्याय नाम के चीज नहीं अन्याई बढ़ता जाए रे, न्याय नाम के चीज नहीं अन्याई बढ़ता जाए रे। ऊँचा चर का मंत्री बैठे मंत्री करता हेरा फेरी, ऊँचा चर का मंत्री बैठे मंत्री करता हेरा फेरी, न्याय नाम के चीज नहीं अन्याई बढ़ता जाए रे। चलिए निराला जी के लिए ताली, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत खूब, बहुत अच्छा, मतलब पूरे सरकारी तंत्र को आपने एकदम गीत के जरिए बता दिया सभी को। निराला जी, अब ये बताएं कि आपके सांसद जो मौजूदा सांसद है, कैसा काम किया है? वो सांसद अभी तक हम चेहरा भी नहीं देखे हैं एक दिन भी। हम लोग तो कभी उसको हम लोग देखबो नहीं करते हैं, जो कब आए आते हैं कि नहीं, हम लोग अभी तक देखे नहीं हैं। देखे भी नहीं? नहीं देखे हैं। अच्छा, कोई काम किया है कि नहीं? काम तो हम कुछ नहीं देखे, बस देखे हैं कोई गारे हैं। ये कौन चीज है? वो सोलर लाइट देखे हैं। आचार संहिता में आके गार के गया। और तो क्या बोले? वो आचार संहिता में आके गार के गया है। हाँ, संहिता लगने के बाद, उसके बाद गार के गया। अच्छा, उसे काम कुछ नहीं किया वो? आई आई अभी आई पास बैठ।
और मुख्य मुद्दा क्या है दरभंगा का, जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है, चुनाव किस पर होगा? बोलो ना। इस बार बदलाव है, इस बार बदलाव होना चाहिए, बस यही तय हो चुका है। इस बार तय है, इस बार तय है कि बदलाव होना चाहिए। आप यूथ हैं, क्या करते हैं आप? हम तो दुकान खोले हुए हैं। किस चीज की दुकान? नाश्ता पानी का दुकान। बिक्री कितनी होती है एक दिन में? वही 4,000-5,000 एक दिन में। हाँ। क्या आत्मनिर्भर हो गए आप? हाँ। सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे आप? सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का विकास चाहिए। क्या विकास हुआ 10 साल में? अगर मोदी सरकार की बात करते हैं तो कितने काम हुए हैं आपको लगता है कुछ? हम लोग एको टाका में नहीं देखते हैं। जमीन पर नहीं हुआ है आप लोगों के? ना, कुछ नहीं हुआ। दरभंगा की सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है? समस्या बोला कि एम्स बन रहा है, अभी तक एम्स नहीं बना है। सोझे पेपर पर बोल रहा है कि एम्स हो गया है, एम्स अभी तक बना नहीं है। नहीं बना है तो जनता के पास क्या जवाब है? जवाब वही है ना, बोल रहा है कि एम्स बन गया है, यहाँ देख रहे हैं कि एम्स बनवे नहीं किया है। और क्या कमी लगती है आप? और बहुत कमी है ना, रोड सड़क पुल कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ। 10 साल में तो अभी तक संसद को हम लोग चिन्हो नहीं करते हैं कि कैसा संसद है। देखा ही नहीं आप? देखा ही नहीं है। चलिए, सांसद को अभी तक देखा ही नहीं है। चलिए चाचा बोलिए, इधर इधर सुनिए, क्या नाम है आपका? हमारा महेश है। महेश, महेश जी, दरभंगा की समस्या क्या? समस्या तो गड़बड़े है, जो ही बात वो कहे, जो वही बात जो कहा वही सब। आप अपने तरीके आया है ना, कोनो काम किया है? एगो मंदिर के गोर ला के किया, कहा जो हम काम कर देंगे, जो उसको तो करबे नहीं किया हुआ, यहाँ से घूम के आए भी नहीं किया। वो अभी तक नहीं, अभी तक नहीं आया है। मंदिर में क्या काम था? वो मंदिर के प्लास्टर और टाइल्स आर लगाना था उसको, और कुछ काम था वो कल के कर देंगे। लेकिन अति मंदिर के नाम पर वोट लेता है बीजेपी वाला, और कुछ नहीं करता है, मतलब कह के जाता है कुछ करता है कुछ, बस मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांट के वोट लेता है। इस बार क्या लगता है आप लोगों को कि नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली? नहीं चलने वाली, इस बार नहीं चलने वाली, नहीं ना। जनता जागरूक है? हाँ, जागरूक है एकदम, पूरे जागरूक है। इस बार सरकार से नफरत हो गई आप? सबको नफरत, हमको क्या, सबको हो गया कि हमको सबको? अब तक जो रिपोर्ट मैं कर रही हूँ सभी को यही चीजें नजर आ रही है कि हिंदू मुसलमान के अलावा उनके पास कोई चीज नहीं है, नहीं है कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कैसे मुद्दा है? अन्य महंगाई तो हो गया 30 रुपए आलू, सब कुछ बढ़िया रहा है, तो कोती बोले हम लोग सब्जी 80 बोलेंगे तभी लोग सुनेंगे। सब्जी 80-90 रुपए बिकता है, आ किसान मर रहा है, यहाँ खाद मिलता नहीं है। उस टाइम में मोदी छाप खाद देगा। अच्छा, मोदी छाप खाद भी है? खाद भी चल गया था। हाँ, बोरी के ऊपर फोटो होगी? हाँ, तो और क्या समस्या देख रहे हैं आप? वो और क्या देखेंगे, हम लोग अपना काम करते हैं, जो भाई जो ही होगा वही करते हैं। आप किसान हैं? हाँ। आय दोगुनी हुई आपकी? हाँ। पैसे बढ़े किसानी में? कहाँ बढ़े, घर की चाबी मिली? कुछ नहीं मिला। नया घर मिला आपको? कुछ नहीं, नहीं मिला। इधर बैठिए, आइए। वो तो घर पर जाके चेक करते ना, जो घर किसका बना हुआ है किसका नहीं बना है, गरीब के नहीं बना हुआ है, अमीर के बना हुआ है। घाट पर कहीं काम मिले है? हमारा तो घर नहीं है बना। घर नहीं बना? नहीं, मोदी सरकार घर नहीं दी। हाँ, क्या उम्र है आपकी? 80 वर्ष है। 80? हाँ। अच्छा, मोदी सरकार के काम से आप खुश हैं? खुश, उतारो खा गए देश के, ट्रेन सही बेच ले के। ट्रेन सही तो देश को बेच लिया। बताइए, इधर इधर बैठिए बैठिए, और बताइए और बताइए। सबको उतने नहीं पूछे, जब देहात के हमसे उतने बोले वाला नहीं चाहिए। आप ही लोग तो सवाल उठाएंगे। हाँ, खेती बाड़ी जो करते हैं, जो समस्या जो परेशानी है, सब कुछ तो बेच लिया, ट्रेन बेच लिया, हेलीकॉप्टर जहाज वाला अथी बेच लिया, एयरपोर्ट, अब रहने की दिया बिहार में, बिहार के भी बेचेगा। हाँ, आज आया है उसका गाड़ी प्रचार करने, न तो क्षेत्र में प्रचारो नहीं करता है, अर्से नहीं करता है। सांसद इतना डरे हुए प्रचार भी नहीं करते यहाँ पर आकर करके। आप बताइए चाचा, महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई तो चरम सीमा पर यहाँ फंसा हुआ है।
लोग मर रहा है, भूखे मर रहा है, पानी की किल्लत है, किसान तो और जल्दी समस्या है, बेरोजगार है लोग, लोग पेट भर अन्न भी नहीं खा रहा है देहात में। इतना महंगाई है जो नमक लगेगा कि सब्जी लगेगा कि रोटी का उपाय करेगा, भर पेट लोग भोजन भी कर नहीं पा रहा है। भ्रष्ट 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 जो है शासन प्रशासन पूरा भ्रष्ट है। हाँ भ्रष्ट है, सब लोगों को ठगता है। दरभंगा का अहम मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? बेरोजगारी होगा, महंगाई होगा, ये तो मेन मुद्दा है। वो मेन मुद्दा, हाँ मेन मुद्दा रहेगा। लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला? ये कैसे भविष्यवाणी करें, लेकिन लोग विक्षुब्ध है, विक्षुब्ध तो है, ये बात सत्य तो नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन विक्षुब्ध लोग है, इशारा करता है परिवर्तन का इशारा हो रहा है। अगर ये देखा जाए कि मोदी सरकार अब नहीं बनेगी, इसके पीछे की वजह आप 5-10 बताइए क्या क्या हो सकती है, जो आम लोग नाराज हैं, ये मैं देख रही हूँ हर जगह नाराजगी जाहिर होती है। नाराजगी तो है, वही मेन मुद्दा है कि महंगाई जो है, बेरोजगारी और महंगाई, वो सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ इस वजह से परिवर्तन हो सकता है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आपको क्या लग रहा है, आने वाले गठबंधन की सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? उम्मीद लोग लगा के तो बैठा है, लेकिन वो भी नहीं काम करेगा तो वहाँ भी तो लोग फेंक देगा ना, बिल्कुल फेंक देगा। जनार्दन जनता ही मालिक, प्रजातंत्र तो लोग जनता ही मालिक होता है, फिर वो अगर काम नहीं करेगा, लोग को जो आशा है उसका विपरीत अगर काज करे तो लोग उसको उखाड़ के फेंकेगा, बिल्कुल फेंकेगा, बिल्कुल फेंक देगा। मतदाता ही मालिक है, मतदाता ही मालिक है, फिर काज नहीं करेगा अगर कोई भी हो, सत्ता परिवर्तन हो जाए वो भी अगर काज नहीं करेगा तो आम जनता नहीं माफी कर देगा, उसको भी उखाड़ के फेंक देगा। हाँ फेंक देगा। बच्चा कुछ बोलने वाला है यहाँ पे कोई?